जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नगर पंचायत डबरा कार्यालय का वार्ड वासियों ने किया घेराव, लिखित आश्वासन व कार्य आदेश के बाद आंदोलन समाप्त। नगर पंचायत डबरा में 3 व 4 के वार्ड वासियों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलने से नाराज लोगों ने आज 4 घंटे तक नगर पंचायत कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठे। जांजगीर चांपा जिले के अंतिम छोर में बसे नगर पंचायत डबरा में इन दिनों नगर में विकट समस्या आन पड़ी है। नगर पंचायत डबरा के वार्ड नंबर 3 व 4 प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को न तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है और जिनका प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम आ चुका है उनको भी कार्य आदेश महीनों बीत जाने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है और जिन्होंने आवास बनाना शुरू कर दिया है उनको किस्त नहीं दिया जा रहा है। इस तरह नगर पंचायत डबरा में अधिकारियों का मनमानी वाला लापरवाही से जनता परेशान है। इस सब कारणों से नाराज वार्ड वासियों ने आज नगर पंचायत कार्यालय डबरा का घेराव कर आंदोलन किया। इनके आंदोलन को चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा प्रत्याशी बहुरानी संयोगिता सिंह जुदेव ने समर्थन दिया। साथ ही पार्षद रवि गुप्ता, नगर पंचायत उपाध्यक्ष दीपक साहू व हेमंत पटेल ने भी दिया। लगभग 4-5 घंटे बाद नायब तहसीलदार नेत्र प्रभा सिदार के पहल व समझाइश के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिखित आश्वासन पर व 10 हितग्राहियों को कार्यादेश मिलने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। साथ ही नायब तहसीलदार को भाजपा नेत्री संयोगिता सिंह जुदेव ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज यहाँ पे डबरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 और 4 की ऐसी बहुत सी महिलाएं जिनका बहुत पहले 6 महीने पहले करीब उनका प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिल गई थी लेकिन उसका वर्क ऑर्डर नहीं निकल रहा था। तो ऐसी महिलाएं कई बार इसके पहले भी नगर पंचायत ये चक्कर लगा चुकी हैं। कई बार यहाँ हमारे जो पार्षदगण हैं वो कई बार यहाँ पर आ चुके थे, उनको आश्वासन दे के यहाँ से भेजा जा रहा था कि कल हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, इसके बाद अगले हफ्ते हो जाएगा। ऐसा कई बार इन महिलाओं ने भी समय दिया, नगर पंचायत को हमारे पार्षद जो हैं उन्होंने भी समय दिया लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको वर्क ऑर्डर आज तक नहीं मिला था। तो आज यहाँ सभी महिलाओं ने यहाँ पे नगर पंचायत घेरने का फैसला किया, हम सब उनके साथ थे। करीब ऐसे बहुत से करीब 50 ऐसे लोग थे इनका वर्क ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था। आज हम लोग करीब 6 घंटे नगर पंचायत में बैठे यहाँ पे धरना दिया, उसके बावजूद हम लोग को बहुत यही प्रयास हुआ कि किसी तरह से हम लोग को संतुष्ट करके भेजा जा सके और वर्क ऑर्डर ना देना पड़े। लेकिन हम लोग जो महिलाएं थी वो बिल्कुल आज निश्चित करके आई थी कि हम लोग वर्क ऑर्डर लेके ही जाएंगे। तो हम सब का जो यहाँ पे सब लोग बैठे तो उसका निर्णय ये हुआ कि 10 वर्क ऑर्डर हम लोग को मिले यहाँ पे और बाकी के लिए यहाँ CMO साहब ने ये कहा है कि वो 26 तारीख को मंगलवार को बाकी के सारे जितने भी स्वीकृत हैं उनको वर्क ऑर्डर देंगे। यहाँ के तहसीलदार नेत्र प्रभा जी और CMO साहू जी ने 10 हितग्राहियों को आज वर्क ऑर्डर का कार्यादेश का कॉपी उनको दिए हैं और जो बचे हितग्राही हैं जिनका PMO स्वीकृत हो गया है उनको 26 तारीख मंगलवार तक उनको कार्यादेश देंगे करके उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है और हम लोग माने हैं। और आज चंद्रपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रीमती संयोगिता सिंह जुदेव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी दिए हैं कि नगर पंचायत डबरा में जो प्रधानमंत्री आवास को लेकर विषमताएं लगातार देखने को मिल रही थी उसके पर्पस में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि यहाँ के चाहे वार्ड क्रमांक 3 हो 4 हो चाहे 9 हो चाहे 15 हो चाहे 11 हो इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने तहसीलदार के द्वारा ज्ञापन दिए हैं कि जो हमारे चंद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत के जो हितग्राही उनको लाभ मिले और समय पर उनको कार्यादेश मिले, इसके लिए ज्ञापन दिया।